वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने वाले हैं रैंक ग्रेटेस्ट एनिमे राइवलरी को। और मैं पहले बोल दूं, इस लिस्ट के अंदर वही एनिमे होने वाले हैं जो ऑलरेडी लिस्ट के अंदर हैं। हमने कुछ नहीं डाले, ये हमारी लिस्ट नहीं है भाई, ये नहीं बनाई। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला राउंड आ चुका है, हमारे पास है गोकू वर्सेस वेजिटा या शैंक्स वर्सेस मीहॉक। इट्स इजी। रुक। मुझे पता है कुछ वन पीस वाले बोल रहे हैं शैंक्स वर्सेस मीहॉक, बट अब वो है ही नहीं राइवलरी। मीहॉक शैंक्स को अपना राइवल कंसीडर करता ही नहीं है अब तो। कब हो गया ये? और अगर देखो याद है ड्रैगन बॉल सुपर एक एपिसोड था जिसमें वेजिटा का एक बंदा क्लोन बना लेता है। याद है। और गोकू से जब लड़ता है ना और क्लोन इधर होता है, वेजिटा खुश हो रहा था कि मेरा क्लोन मार रहा है। तो वेजिटा या कितना भी दोस्त हो जाए वो इनबिल्ड राइवल रहेगा। वो मतलब बेस्ट राइवलरी के अंदर आते हैं। और जब वो मार्जिन वेजिटा बना था उसके अंदर गन पका था ना गोकू के लिए। दोनों सास के पीछे पागल थी। जलवा है हमारा। देखो मुझे लूसी एक्स नाना का नहीं पता, आई एम सॉरी। मुझे होंगे लवली लेडी। राइट वाला कौन सा है? ये करेक्टर क्या लिखा है? मुझे वो क्यों लग रहा है जो फोटो फिल्म करेक्टर डिजिमोन भी लग रहा हो भाई। डिजिमोन नहीं, बाकुगांग है शायद। हाँ शायद भाई। सर दिस इज नॉट द राइट आंसर। बट मुझे उनकी राइवलरी लिटरली याद रही है, बट मुझे इनकी याद है। इनके साथ जाने वाले हैं हम भाई। कम ऑन भाई, स्कार की भाई बहुत गंदी राइवलरी थी उसके साथ। यूजी और इनके यहाँ जाते हैं। यूजी भाई ये मेरे को याद है, मेरे को एनिमे याद नहीं, पर इनके कैरेक्टर देखा है पुराना एनिमे, वो हमने देखा हुआ है, वो देखा थोड़ा बहुत देखा। गोकू वेजिटा एक्स ब्रोली, उनकी राइवलरी नहीं है होगी अब। हां अब दोस्तों सुपर मूवी में वेजिटा उसे दिखा रहा था गुस्सा करते हुए, कैसे हटते हैं तो ये जाते हैं। पर ये पता भी नहीं कौन रहा है, पर हमें ये तो कंफर्म है ना कि ये हाँ, उनके तो बिल्कुल भी। देख उनकी राइवलरी काइंड ऑफ थी भी नहीं, ब्रोली काइंड ऑफ उन पे गुस्सा था इस चीज को लेके। तेरा पता है एक मुझे नहीं पता है फैन मेड थ्योरी है क्यों है, मतलब क्यों गुस्सा था वो जब ये दोनों छोटे थे ना गोकू और ब्रोली, तो जिस चैम्बर में बच्चे सोते थे मुंह दिया था। नहीं मुंह तो नहीं था, गोकू रोता रहता था बचपन में। हाँ वो सही सच्चा हो, वो सच है। हाँ उसे क्या करो, इरिटेट उसे, वो इरिटेट हो गया था। ये थोड़ा मैंने सुना सच नहीं है मुझे, आई डोंट नो, मेरे को भी कंफर्म नहीं सच है नहीं, बट मैंने सुना है, मैंने भी सुना है चीज़ के और बहुत रोता था। नहीं गुस्सा इसलिए नहीं था, वो तो उसे पता लगा था ना वेजिटा के बाप को कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सैन पैदा हुआ है, इसलिए उसने उसके ब्रोली और उसके ब्रोली को फेंक दिया था कहीं और, उसके बाप भी चला गया था, उसलिए उसका बाप गुस्सा था उससे। बट ब्रोली का तो पता नहीं भाई, ब्रोली बहुत खतरनाक है भाई। एक मूवी है बाप बेटा सब मिलके भी नहीं पीट पा रहे थे। यो हाकुशो माय बॉय, रुक जा। वो तो उन दो की बचपन की राइवलरी है स्ट्रेंथ पे, ठीक है, बट इतना ज्यादा दिखाया नहीं गया एनिमे के अंदर। और वो दोनों पता कैसे हैं? वो दोनों नारुतो सास्के जैसे हैं, वो दोनों थोड़े बहुत ठीक है, पर थोड़ा वैसे होंगे। बाद में तो सास्के ठीक हो गया था ना उससे, वो ऐसा ही है वो जितनी है ना ये ब्लू वाल बंदा, इसके पास एक और आंख है यहाँ सर पे इसके पास। हाँ वो काइंड ऑफ साइंटिफिक आई है पर है इसके पास, यार बहुत अच्छा ये है। हाँ ये ले लेते हैं भाई। यू हाकुशो बहुत प्यारा लगता है मुझे भाई। काशी यार वो अपने वो फेरी टेल वाले, बट काशी कम ऑन फेरी टेल वाले यार, काशी लड़ाई झगड़ा पसंद है भाई। बान और मेलियोडस की अच्छी राइवलरी है, राइवलरी तो एक तरफ थी ना, अगर तू तो ध्यान से देखे इताशी को थोड़ी बदला कुछ लेना था, वो तो सास्के को लेना था, और क्योंकि सास्के कुछ पता ही नहीं था। ऐसे तो देख उनकी राइवलरी भी नहीं है बिकॉज वो सेम टीम के अंदर, जो नीचे ना लड़का है मेलियोडस उसका कैप्टन है बैन का है, मतलब जो कैप्टन है वो उसकी टीम के अंदर था। ये सेवन डेडली सिंस है। अच्छा ये तो वो उसकी टीम होता है, भी ऐसी राइवलरी थी उतनी हेल्दी राइवलरी, थोड़ी पैसे थी इनके सीन आई थिंक इताती सास की, या पर उसमें भी हाँ बात सही है, उसमें राइवलरी थी नहीं। मैं जरूर बताता हूँ इसमें ये जो ब्लू और येलो बार मेलोडियस इन, ये ब्लू इससे बदला लेना चाहती थी कुछ ऐसा था? बिल्कुल नहीं, वो तो दोस्त है बहुत प्यारे, तो ये राइवलरी में क्यों आया? अबे ऐसा नहीं है गोकू वेजिटा के अब वो दोस्त बन चुके हैं, बट स्टिल काइंड राइवल है, वैसा सीन है थोड़ा बहुत, तो यही लेते हैं ना, यही लेते हैं। इताची की तरह से तो कुछ था ही नहीं, वो चाहता था उसका भाई ताकतवर बने उसको मारे, यही लेते हैं उनका कुछ था नहीं इतना कुछ। नेक्स्ट वी हैव गोनो हिसुका नात्सुया ग्रे। अब इनका भी थोड़ा वैसा है नारुतो सास्के वाला सीन था, बट हेटरेड नहीं था इनके अंदर, सास्के का हेटरेड था ना, और वो सीन वो बंदा
कुछ नहीं करी नहीं बेचारा कुछ गोन वो स्टर्न हो गया क्या करता बेचारा तो इनने कुछ फायदा नहीं उठाया फिर नहीं आई देख उसमें ना राइवलरी थी नहीं बिकॉज हिसुका वाज लाइक मोर इंटरेस्टेड इन गोन और गोन को कुछ फर्क नहीं था गोन स्ट्रेट था गोन अपने बाप को ढूंढने में लगा हुआ था तो गोन अपने बाप तो हाँ नाथुर गोले लेते हैं नाथुर बिल्कुल है बिल्कुल नाथुर लेते हैं नेक्स्ट वी हैव गोकू क्रिलिन इनकी राइवलरी इनिशियल फेज में थी ड्रैगन बॉल डी भी जब बच्चे तब थे पांच छोटे ट्रेन करते थे अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए कैसी ये प्रॉपर सही भी नहीं है लिस्ट ये हाँ ठीक इनका पता इनका मुझे नहीं पता पर मैंने को देखा तो आई डोंट रिमेम्बर कौन है वो मेरे को याद नहीं आ रहा एरन यार रेनर और राइनर भाई ये क्या आ गया यार दिस भाई मेरे को तो बी लग रहा है इसमें सही नहीं मुझे लगता है जोरो सेंजी की इतनी वो थोड़ी है उनकी है तो ऋषि बताओ रिसेंट मांग के अंदर क्या चल रहा है जोरो एक बंदे से लड़ रहा है और बहुत टाइम से लड़े जा रहा है तो सांजी को बात पता लगी ना तो सांजी ने बोला क्या साला इतने देर से लड़ रहा है वो मुझसे ज्यादा वीक है और जोरो जैसी बात पता लगी जोरो ने उसी टाइम उस ओपनर को काट दिया गंदी राइवल है बट गोकु वेजिटा जैसे है नहीं भाई गोकु जोरो सांजी लेंगे उनकी राइवलरी भाई ऐसे सबको दुश्मन उनकी बहुत पहले चल रही है वो भी है उनकी बहुत अच्छी है वो दोनों का ना ब्रदर्स टाइप है बट नहीं अडॉप्टेड ब्रदर्स ये अच्छा ठीक है ठीक हाँ रियल ब्रदर्स नहीं है भाई देख मेरे को ना प्रॉपर याद नहीं सीजन कौन सा था जोटो था या फिर कैंटो में हुई थी एश का बस 40 बचा था और गैरी पे 3 पोकेमोन थे पहले एश ने ना उसके सीजर को हटाया सीजर एक रेड कलर का था भोगते थे फिर गैरी ने ना वो निकाला था एक पत्थर जैसा पोकेमोन है पत्थर वो रोल होके मारता था 40 ने ना इतना बड़ा सा कुछ फेंका उसके ऊपर मुंह से और वो वहीं मर गया फिर गैरी ने कहा ब्लास्टो है स्टेडियम जला देता चार्लीज़ार्ड ने साइज़मिक टॉस करके फेला था भाई बहुत अच्छी थी अब अगर नहीं पता तो नाम सुना हाई स्कूल डीएक्सडी पर उनके इतना कुछ मतलब इनके कंपेयर में तो बिल्कुल कुछ नहीं है और अगर तेरे को याद हो ना ग्लास फोर को विकसित भी गैरी के थ्रू करा था गैरी लटका लेके घूमता था गोल्डन और ट्रंक्स वो तो लिटरली ब्रदर्स हैं लिटरली तो ये दोनों तो हमेशा साले फ्यूज होकर लड़ते हैं पी और एस तो भाई है ना उनकी राइवलरी सोचना इज अ स्टूपिड थिंग वही ले ले भाई खत्म बात वही मैं सोच रहा हूं एस और कौन बना रहा है भाई लिस्ट नॉनसेंस नाथुर नाथुर वही लेगा व्हीलचेयर पे आते हैं लोग माइंड के उस पार आ चुका है और काशी मोसर है उसे पीछे रहता है मैं चलाता रहता एक भी पैनल नहीं जिसके अंदर काकाशी हो अब तक नहीं दिखाया गया बोरूटो के अंदर काकाशी बहुत तो फिर गोकू वेजिटा रहता है वही लेना पड़ेगा उनका इनका पैर में उतना नहीं है तो भाई जो मार्जिन वेजिटा और जब गोकू भिड़े थे ना गोकू ने साले ने चीटिंग करी थी सुपर सेन 3 सप्रेस करके कार और एडवर्ड एल्रिक एडवर्ड एल्रिक इनकी तो फाइट ही सास्के के लिए थी ना दोनों की हाँ भाई ये मुझे खैर ए ए यप यप इनकी हेल्दी राइवलरी थी ए लेंगे ए लेना मैं पे ए लूंगा मैं पे अगर सांजी बोलेगा ना मैं छोड़ रहा हूँ जोरो उधर दरवाजा खोलेगा बिल्कुल गेट ऑफ निकलो मतलब मजाक में बोल रहा हूँ बट जोरो थोड़ा है ऐसा कि उसने सांजी इतना ऐसा पसंद नहीं गोकू वेजिटा हाँ इनकी तो बहुत टाइम चलती आ रही चलती रहेगी इनकी तो जब तक मरने वाले इनकी चलती एड हाँ इनके लेंगे हम जो और डीओ का बहुत टॉक्सिक राइवलरी है उनकी एक दूसरे को मार डालेंगे और इंटरनली ये मेरे हिसाब से जोरो और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं डेफिनेटली करते हैं वो दोनों करते हैं दोनों अपने कैप्टन कुछ भी कर सकते हैं तो जोरो का नथिंग मूवमेंट आया था मूवमेंट उससे पहले सांझ भी आ गया था कि तू जोरो को नहीं मुझे मार दे मेरे को बड़े ड्रीम नहीं जोरो बड़े ड्रीम्स हैं हाँ उनके लिए बड़े क्योंकि उन्हें बहुत टॉक्सिक है मार ढाल वाले लोग हैं ये लोग उनमें क्या है कि हमें आगे निकलना है पर रिस्पेक्ट जैसे गोकू वेजिटा है आगे निकलना है वेजिटा हमेशा ये एम रखता है आगे निकलना है पर वो गोकू रिस्पेक्ट भी बहुत करता है जब याद नहीं जब वो टूर्नामेंट बाहर से बाहर हो रहा था अपनी एनर्जी देके गया था कहा था एनर्जी देके गया था आई लीव रेस्ट टू यू कैक्रॉन तो बता इसमें बता इन दोनों की एंड तक रही थी इन दोनों का एंड थोड़ा शॉर्ट हो गया दोनों साथ में इन्होंने बिल्कुल एंड में काम करा साथ में थोड़ा साथ में तो भाई तो सारे फ्यूज हो गए थे ऐसे खून के प्यासे नहीं थे ना एक दूसरे के शुरू में थे जो ये ना एडवर्ड इसकी गर्लफ्रेंड मान ले जो बचपन से इसके साथ थे ठीक है
उसके जो पेरेंट्स थे वो मेडिकल में थे दोनों, ठीक है, और जो वो पीछे बंदा है ना, हाँ। उसने उसे पेरेंट्स को मार दिया था। गोकू मार्जिन वेजिटा से भी तब लड़ा था जब उसने सारे बंदे उड़ा दिया। मेरा भी गोकू लेना चाहिए, ठीक है गोकू ले लेना। अब आएगा हमारा जोजो और गोकू में आएगा। जोजो के बाप ने दियो को अडॉप्ट किया था क्योंकि दियो के बाप ने जोजो के बाप की जान बचाई थी, ठीक है। पर दियो इज लाइक फ्रीजा, बोन इविल कैरेक्टर। उसने उसके बाप को मार दिया, उसका पूरा चला दिया, पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। पता है कितना हराम इंसान है, इसने दियो की बंदी को फोर्सफुली किस भी कर दिया था। तो ये ग्रिफिथ और गट्स क्यों नहीं आए भाई, वो जीतते भाई। भाई देखो अभी तो अभी के लिए विनर है डियो और जोजो। वैसे तो मेरे साथ एंड आई एम इन टीम ग्रिफिथ। भाई देखो मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द बेस्ट राइवलरी, अगर तुम एक मान लो एवरग्रीन राइवलरी, गोकू वेजिटा मादरा और गोकू वेजिटा रहेगी। अरे कौन जीतता, ये लोग जीतते थे, गोकू वेजिटा सेकंड पे जीते। हमारे में हमारे पे गट्स भी नहीं आया, हमारे भी नहीं। अबे साले मेन तो आए नहीं, गोकू फ्रीजा नहीं आया भाई। ये सब उस बनना भाई, हर जगह हमें थाला मिलता है। अगर गोकू फ्रीजा आते मेरे वही जीतते भाई। मैं जरूर एक चीज बताऊं, गोकू फ्रीजा में भी ना गोकू ऐसा करेक्टर है जो कभी भी सामने वालों को हेट नहीं करता, ना अपनी राइवलरी रखता। फ्रीजा हरामी जो उसको एंड्रॉइड 15 था शायद उसने समझाया था कि अगर तू उसको मारेगा वापस तो तेरे काकाशी को अपनी आंख दे दी थी, तो फिर अब वो कहाँ की राइवलरी रही जब ओबी तो मैनिपुलेट हो गया था मादरा से कि देख तेरे तो पागल बना तेरी तेरी वो तो फिर हुई थी ना वो राइवलरी। हाँ तो स्टिल तो बनाई तो राइवलरी गई ना। चल ठीक है, हम सातवें नंबर पे जो हमने दिया था ना, अगर इस लिस्ट के हिसाब से लाइट ओ भाई इनकी थी, वैसे गंदे लाइट इनकी ये इनके थे भाई। लाइट और गट, लाइट्स और गट, ये जो सेकंड और थर्ड है मेरे हिसाब से ये तो हमारे फाइनलिस्ट आते हैं मेरे हिसाब से। ये होने चाहिए थे और मेरे हिसाब से विनर भी लाइट भाई। लाइट और एल की तो इतनी ब्रूटल थी ना, मतलब ये दिमाग वाला जो गेम खेला था साड़ो ने, और लाइट ने तो क्या मारा था एल को भाई। सो दैट्स व्हाट योर प्लान इज, यू आर ट्रूली डिस्गस्टिंग। उससे मरवा दिया था जो उसकी थी ना वो मीसा अमाने। मीसा अमाने की जो थी, मीसा अमाने ने आपकी भी डील कर ली थी भाई। मीसा will be able to see Ryuga's real name. Yeah. लाइट के लिए उस लड़की ने, वो होती है वाइफ मटेरियल लड़की। करो में ये थी हमारी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे राइवलरी जो जो हमारे सामने आई, सिर्फ वो हाँ, और हाँ हमारा था लाइजन, हमारा सेवंथ नंबर पे आया डियो और जोजो। भाई कितनी अजीब चीज है, सेकंड जो है वो भी एलएल है और ये थर्ड है वो भी जीजी है। अरे मिलते हैं और वीडियोस के अंदर, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। वंदे मातरम।